देखो जी, मैं समझ सकता हूँ आप ये प्रश्न क्यों पूछ रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से कैप्टन अमरिंदर साहब जब सीएम थे, तीन तीन चार चार दिन तक गांधी परिवार के वेटिंग रूम में बैठे रहते थे। हफ्ते में तीन चार गेड़े तो उनके लग ही जाते थे दिल्ली के। कोई भी छोटे से छोटा निर्णय हो, वो दिल्ली उनको जाना पड़ता था हाईकमांड के पास। आज चन्नी साहब जो हैं, हफ्ते में पांच सात बार तो चले ही जाते हैं दिल्ली। सिद्धू साहब 24 घंटे दिल्ली बैठे रहते हैं, ये सारी कैबिनेट उनकी दिल्ली बैठी रहती है। पिछले 4 महीने में आप मेरे को ये बताओ, भगवंत मान कितनी बार दिल्ली आए? 2 बार। जब भी पंजाब का कोई मसला होता है, केजरीवाल पंजाब आता है। हमारी पार्टी के सारे निर्णय पंजाब में लिए जाते हैं, हमारी पार्टी पंजाब से चलती है, उनकी पार्टी दिल्ली से चलती है। लेकिन अब अगर हमने दिल्ली में स्कूल बनाए हैं, अस्पताल बनाए, ये ठीक किए, बिजली ठीक की, ये हम तो चाहते हैं कि सारे देश के लोग इससे सीखें। अगर हमने स्कूल अच्छे कर दिए तो बीजेपी का कोई मुख्यमंत्री मुझे कह दे, मैं हम उनको सिखा देंगे। कांग्रेस का कोई मुख्यमंत्री हमें कह दे, हम उनको सिखा देंगे। तो भगवंत मान तो हमारा ही है, उसको तो बताएंगे ही ना कैसे किए। वैसे भगवंत मान यहां जो अच्छे काम करेगा वो हम सीख के दिल्ली में करेंगे। देश की बात है, वहां पर पूरे देश में कहीं कोई किसी भी कोने में कोई अच्छा काम हो, सबको सीख के करना चाहिए, उसमें क्या बात है। दोनों 3 महीने का काम तो सारे देख रहे हैं टीवी पे, कितने नोटों की गड्डियां कैसे गिन रहे हैं लोग। तो वो तो लोगों ने देखा है कि ट्रांसफर पोस्टिंग में, रेता चोरी में, इन्होंने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। गिनीज बुक वाले कंसीडर कर रहे हैं भाई। इन्होंने तो 111 दिन में ही सारे पुराने रिकॉर्ड तोड़ दिए। थैंक यू।